जीवन के एक बदलाव बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतने उदास बैठे क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, दादाजी बोले। जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए न, बच्चों ने जिद की। दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी, मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी, तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया न सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया, और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता, और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गईं और वे धीरे से बोले, बच्चों तुम मेरी जैसी गलती मत करना, कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, अपनी स्किल्स को स्ट्रेंथन करना होगा, अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी डिटर्मिनेशन को फौलाद करना होगा, और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े प्रभावी ढंग से कहा है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो चलिए आज से हम खुद वो बदलाव बनते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं।